और नीतीश कुमार जी के लिए तो कोई भी कुर्बानी उसके पार्टी के लोग देंगे। ललन सिंह ने दिया, उन्होंने आगे नाम बढ़ाया। ललन सिंह की भूमिका मुझको लगता है कि इससे बड़ी भी होने वाली होगी। हो सकता है इंडिया गठबंधन में जितनी सीट शेयरिंग की बात हो, ललन सिंह जाए 25-24 तक कोई मुख्यमंत्री की कुर्सी को खतरा नीतीश कुमार आने के लिए ये कोई कुकर्म करेंगे, आप इसको समझिए। इंडिया गठबंधन को मैं समझता हूं कि हर परिस्थिति में मेरी अपनी ओपिनियन है, नीतीश कुमार जी नहीं चाहते हैं। नीतीश कुमार जी ने एक प्रयास किया इंडिया गठबंधन पहल करके आगे बढ़ा करके बनाने का, लेकिन मैं समझता हूं कि आज के डेट में इंडिया गठबंधन के सम्मान रूप से जो जिन्होंने बड़े मेहनत के साथ एक लंबा चीज देखा, उसमें नीतीश कुमार की प्राथमिकता आवश्यक है। और तब प्रेशर बनेगा बीजेपी पर कि जाति जनगणना और आरक्षण, तब पता चलेगा कि मैं तो देश को एक कर रहा हूं और इंडिया गठबंधन देश को जाति में बांट रहा है। तो जाति का इतना, ओबीसी का इतना बड़ा दुश्मन क्यों है ये बीजेपी? अत्यंत पिछड़ा का इतना बड़ा दुश्मन क्यों है बीजेपी? एसटीएससी का इतना बड़ा दुश्मन क्यों है बीजेपी? कारण क्या है? इनको सिर्फ इस्तेमाल करना है वोट की राजनीति को। इसीलिए हिंदुस्तान आज, यदि आप देश को बचाना चाहते हैं और लोकतंत्र को, सड़क से लेकर सदन तक पहली बार बोलने की आजादी छीन ली गई और संविधान पर कोई काम पहली बार आजादी के बाद अब नहीं होता है। संविधान के बिल्कुल विपरीत, संविधान की बात करने वाले लोगों को ईडी चला जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन की बात आप नहीं करिए, सिर्फ मोदी जी की बात करिए, सिर्फ मोदी को लाने की बात करिए, सिर्फ बीजेपी की बात करिए, उसके अलावा दूसरे की बात करिएगा तो आपके जीने की आजादी, आपके जीने की चीजें छीन ली जाएगी। बस क्लियर है उसमें। नीतीश कुमार को लगता है कि नीतीश कुमार वो बात नहीं रख पा रहे थे इंडिया गठबंधन की बैठक में, जिस कारण ललन सिंह को हटाकर खुद बने? नहीं नहीं, देखिए मैं तो प्रवक्ता हूं नहीं, मैं इसमें कोई दखल नहीं दूंगा, ना मैं कोई दूसरी पार्टी की बात करूंगा। नीतीश कुमार जी इनोमेशनली लीडर है, सम्मान लीडर है, और मैं समझता हूं 40 साल के बाद जाति जनगणना और 67% आरक्षण, हो सकता है आज नीतीश कुमार जी के क्रेडिबिलिटी पर या अन्य चीजों पर सवाल खड़ा हो, लेकिन ये हिस्टोरिकल निर्णय है। 40 साल के बाद नीतीश कुमार, कर्पूरी ठाकुर, जननायक, जेपी और लोहिया के कतार में खड़े मिलेंगे आपको, एक बात आपको मैं आप बता दूं। और दूसरी बात, वो सम्मान नेता हैं, ललन सिंह को हटा के कोई और नहीं ना बने, ये तो ललन सिंह के रेस्पेक्ट के इक्वालिटी हो गए। और जो क्या जानते हैं नहीं जानते हैं मुझे नहीं, ललन सिंह से उनका 39-40 साल का रिश्ता है ना, हो 49 साल का ना रिश्ता है ललन सिंह और नीतीश कुमार, क्या कहा जाए, दो जान एक बदन एक विचार, जो मैं समझता हूं दोनों आदमी, तो वो बिल्कुल कोई मन में ख्वाबी पलो ना पकड़, बिल्कुल वो लोग एक है। और नीतीश कुमार जी के लिए तो कोई भी कुर्बानी उसके पार्टी के लोग देंगे। ललन सिंह ने दिया, उन्होंने आगे नाम बढ़ाया। ललन सिंह की भूमिका मुझको लगता है कि इससे बड़ी भी होने वाली होगी। हो सकता है इंडिया गठबंधन में जितनी सीट शेयरिंग की बात हो, ललन सिंह जाए। हर कामों में नीतीश कुमार तो जाएंगे नहीं, बिहार की कुर्सी छोड़ के तो जाएंगे नहीं, तो इसीलिए बिल्कुल नीतीश कुमार जी 2024 तक किसी कीमत पर, मुझको जो लगता है कि 25-24 तक कोई मुख्यमंत्री की कुर्सी को खतरा नीतीश कुमार जी को नहीं होगा। एक ही बताइए, आप इंडिया गठबंधन में आपको उतना वैल्यू नहीं दिया जा रहा है, आप चाह रहे हैं कि हम जाएं? भैया हम तो कुछ चाह ही नहीं रहे हैं, हम तो जिसको आना होगा वो आएंगे, कोशिश सीमांचल में, मिथिलांचल में। पप्पू यादव की तो कोई इच्छा ही नहीं है, आप बेफिक्र हैं। और चुनाव के बाद आपको लगता है ना कि झारखंड, झारखंड चुनाव के बाद पूरी ताकत के साथ झारखंड में आएंगे और
2025 में झारखंड में चुनाव लड़ेंगे, आप 24 में आप चिंता न करें। बिहार छोड़ के झारखंड में अपना पांव पसारेंगे भैया मेरे। मैंने क्या कहा कि 2024 में चुनाव है और 2025 में बिहार का। आंख बंद करके झारखंड और बिहार माँ और मौसी है, दोनों खून एक है, इसलिए झारखंड को किसी भी कीमत पर सौतेला माँ नहीं ना है, मेरे घर का हिस्सा है, इसलिए झारखंड को दिल का टुकड़ा है, इसको अलग नहीं रखा जा सकता। और झारखंड को फिर से बचाने की जिम्मेदारी हर उन लोगों की है जिनके पसीने पर जबरदस्ती बंटवारा हुआ, लेकिन झारखंड के सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक आधार रोजगार का आधार जिस गरीब गुरबा ओबीसी दलित माइनॉरिटी अत्यंत पिछड़ा एसटीएससी को मिलना चाहिए एसटी को मिलना चाहिए वो नहीं मिला। तो इस आवाज को लेकर के जो लोग आए वो लोग अपने घर भरे। अब हिंदी पट्टी का इलाका है, हिंदी भाषी जो लोग इलाका है, अब इसको उठा करके आप देखिएगा तो सबसे ज्यादा सामाजिक आधार का जो विघटन हुआ है और जो स्थिति बनी है वो हिंदी पट्टी तो है। और अब तो इम्फाल से या जहाँ से हमारे राहुल गांधी जी की नई दूसरी यात्रा जो शुरुआत हो रही है और जो बिहार से भी निकलेगी, झारखंड से भी निकलने की संभावना है, तो मुझको लगता है कि इस बीच में किसी भी कीमत पर राहुल गांधी जी की यात्रा चलते रहे निकलते रहे, इस बीच में बिना किसी अहंकार के बिना किसी गुस्से के बिना किसी मैं बड़ा तो मैं बड़ा दिल बड़ा करके इस देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए सभी देश के इंडिया गठबंधन के नेताओं को अपनी राग अपनी अलाप छोड़ देनी चाहिए। और जो जहां जिस सीट पर जीतने वाला कैंडिडेट है छोटी बड़ी पार्टियों को मिला करके, नहीं तो आप हमको एक बात बताइए ना, 4,90,00,000 वोट आई कांग्रेस को और 4,80,00,000 वोट आया बीजेपी को, 10,00,000 वोट ज्यादा होने के बावजूद बीजेपी जीत गई। वोट शेयरिंग तो कई गुना ज्यादा है ना भाई विपक्ष का, उससे तो बहुत मजबूत है। नरेंद्र मोदी जी के सामने कई पीएम के दावेदार हैं इंडिया गठबंधन, बहुत मजबूत दावेदार हैं, जो इनके तरह डेमोक्रेसी के लिए चैलेंज नहीं होंगे और संविधान के लिए। आपने 200 से ऊपर सांसद निकाल दिया, ये चर्चा नहीं हुई। तो बताइए झारखंड आजादी चाहता है इन लुटेरों से, उद्योगपतियों की लूट से, पूंजीपतियों की लूट से। झारखंड में इतना सोना है झारखंड के अगल बगल कि हम पूरी दुनिया को दे सकते हैं, खिला कर सकते हैं, आप इसको समझ लें। जिस झारखंड को इकोनॉमिकल फ्रीडम की जरूरत है वहां झारखंड को आप पॉलिटिकल फ्रीडम हमेशा देते रहते हैं। मुख्यमंत्री को लगातार ईडी का सातवां समन जारी किया गया है। देखिए एक बात समझिए, मैंने पहले भी कहा कि लोकतंत्र पूरी तरीके से समाप्त हो गई है, संविधान को अलग रख दिया गया। बाबा साहब अम्बेडकर की गहरी चिंता यही थी कि हु इज द पर्सन एंड हु इज द नेम ऑफ इंडिया आफ्टर अम्बेडकर या आफ्टर दिस कॉन्स्टिट्यूशन, कौन ऐसा व्यक्ति पैदा होगा जो इस गीता कुरान बाइबिल जैसी संविधान के ग्रंथ को कोई इम्प्लीमेंट कराएगा। हिंदुस्तान में पहली घटना है कि आजादी के बाद लोकसभा से 200 से ऊपर एमपी को बोलने पर बाहर निकाल दिया गया। हिंदुस्तान में पहली घटना है जी कि रोड पर कोई बोलता है तो उसको ईडी सीबीआई लगा दिया जाता है, उसकी पूरी राजनीति खत्म कर दी जाती है।
मतलब मोदी जी के खिलाफ बोलने का मतलब है कि पूरी की तरह उसके राजनीतिक और व्यक्तिगत कैरियर को समाप्त कर दो। कौन ऐसा दूध का घोड़ा है जिसको छेद नहीं होगा, जिसका आवाज नहीं सुना जा रहा है? हर आदमी का आवाज इसके सरकार गवर्नमेंट सुन रही है, आप इसको समझ लीजिए। तो ईडी सीबीआई तो बीजेपी का एक संगठन हो गया है, स्टूल हो गया है, जिसको मन अब आप चुनाव आयोग में और इन सब चीजों में आपने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को निकाल दिया। क्या प्रॉब्लम था? मतलब जिन जिन बातों से इनको प्रॉब्लम था उसके लिए ये कानून ले आए। तो इनको सियासत और सत्ता में आने के लिए इन्होंने हर तरह के कानून बना लिए। अभी जो ट्रक वाला जो लगातार हड़ताल पर जो परिवहन कानून आया है, ये तो कितना काला कानून है, आप इसको देखिए। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।